पटियाला में हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी सारे बॉक्सर्स की, और अभी फिलहाल 2 वीक का कैंप भी लगा है यहाँ पे दिल्ली में, दूसरी कंट्री बॉक्सर्स के साथ हमारी स्पारिंग हुई थी, तो बहुत अच्छा रहा है सब कुछ। अभी बस 5 दिन रह गए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, सो ऑल सेट है हम लोग। बस यही है कि बस वर्ल्ड चैम्पियनशिप जल्द से जल्द शुरू हो जाए और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना का एक ही फोकस है। नीरज, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी लाइफ में, और लास्ट ईयर जब आपने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती, आप वर्ल्ड चैम्पियन बनी, उसके बाद से अगर ज़िंदगी में देखे हैं ज़िंदगी, तो किस तरह से चेंजेस आए हैं? चेंजेस तो बहुत आए हैं। पहले निखत ज़रीन को कोई इतना नहीं जानता था, बट अभी लोग जानने लगे हैं और लोगों की उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ गई है मेरे से, तो अच्छा लगता है कि लोग अभी पहचानने लगे हैं मुझे। बट जैसे पहले भी मेरा यही एम था कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, और इस बार भी यही गोल लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगी। मैं लास्ट क्वेश्चन है कि जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज दें? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में आपको कुछ पाना है तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत करते रहिए लाइफ में, और लाइक अप्स एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, बस गिव अप नहीं करिए, अपने पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। स्पोर्ट्स समिट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।